दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कहीं दूर और भी जीवन है, इस पर अभी बहस जारी है। लेकिन सुपरमून के दिन चांद पर जो दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, 68 साल बाद जब सुपरमून दिखा तो लोगों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन इन तस्वीरों में कुछ ऐसा भी कैद हो गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को जब पूरी दुनिया सुपरमून को निहार रही थी, तब चांद पर एलियंस घूमते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर चांद पर परछाई नजर आ रही है। कुछ लोगों का दावा है कि ये एलियंस है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस नहीं बल्कि दो सैटेलाइट है जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी। इस नजारे की वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अभी भी तस्वीरों और वीडियो से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वास्तव में वो क्या चीज है। ये साबित नहीं हो पाया है कि आखिर चांद पर नजर आने वाले दो स्पॉट क्या हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये एलियंस है जो चांद पर घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि चांद पर एलियंस रहते हैं जो समय समय पर हमारी धरती पर आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी 2014 में चांद पर एलियंस को देखे जाने की खबर आई थी। नासा और गूगल अर्थ से लिए गए चांद के वीडियो में एक इंसान नजर आया। ये खबर उस समय चर्चा में आई जब एक यूट्यूब यूजर ने गूगल मैप में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिनको देख कर वो हैरत में पड़ गया। यूजर ने देखा कि चांद पर बड़ी बड़ी पत्थरों पर कोई एलियन जैसा फिगर चल रहा है। चांद पर जो एलियन दिखा वो एकदम आदमी जैसा दिख रहा था। कुछ लोग उसे छाया बता रहे थे, लेकिन माना जा रहा था कि वो एक एलियन है। दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल मून सीरीज पर जो लूनर इमेज दिखाई जाती है वो नासा से आती है। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके कई दिनों बाद नासा ने कहा कि चंद्रमा पर एलियन की छाया वाली तस्वीर असल में कैमरे की फिल्म पर कोई धब्बा या फिर आंख की पुतली हो सकती है। नासा के अनुसार यह तस्वीर या तो अपोलो से ली गई होगी या फिर 1971 में चंद्रमा मिशन पर गए 15 वैज्ञानिकों ने, नहीं तो 1972 में 17 वैज्ञानिकों के दल द्वारा ली गई होगी। नासा ने कहा कि ये न भूलें कि डिजिटल कैमरे के आने से पहले का ये मामला है, जब कैमरे की फिल्म में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ियां आ जाती थी, और ये कहकर नासा ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया। अब दोस्तों, सच्चाई क्या है इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। चांद पर अजीबोगरीब चीजें दिखने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार चांद पर कई अनजान चीजों की छाया आने की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।